जय हिंद दोस्तों। 1994 में बनी हुई कंपनी यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। आईपीओ 30 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 2 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर फायदा मिलेगा या नहीं, बिकॉज इस दुनिया में हर इन्वेस्टमेंट फायदे नाम के वर्ड पर ही टिका हुआ है। तो ये जानने के लिए आपको पहले कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का पीयर ग्रुप कंपैरिजन और इस आईपीओ की जीएमपी जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 30 नवंबर से ओपन होने जा रहा है। 1994 में बनी हुई कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है इंजीनियरिंग सिस्टम एंड सॉल्यूशन रिलेटेड कंपोनेंट्स की, जिसका यूज एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर में किया जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो ऑफ हाईवे व्हीकल जैसे कि जेसीबी, ट्रैक्टर में लगने वाले अटैचमेंट पार्ट्स, लिंकेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिलेंडर जैसे और भी कंपोनेंट्स बनाती है। एट प्रेजेंट में कंपनी के पास ग्लोबल लेवल पर इस सेक्टर में 14% की मार्केट शेयर है, जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है एंड 25 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है। कंपनी का मोर देन 64% रिवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है, जहां पर ये 125 प्लस से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्विस दे रही है। वही 36% का रिवेन्यू डोमेस्टिक लेवल से आता है। आईपीओ के ओवरव्यू की बात करें तो टोटल इशू का साइज जो है 835 करोड़ के अराउंड रखा गया है, जिसमें फ्रेश इशू 0 है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इश्यू डेट 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक का है। प्राइस बैंड 548 से 577 का रखा गया है। बिड लॉट 25 शेयर का होगा। रिटेल पोर्शन 35% का है एंड कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसका साफ मतलब है कि ये पूरा पैसा जो शेयर होल्डर्स अपने स्टेक सेल कर रहे हैं उनकी जेब में जाने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखो तो फाइनेंशियल काफी अच्छा दिखता है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस आपको लगातार मार्च 2019 के फाइनेंशियल ईयर से 2022 तक के पीरियड में आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि कंपनी की बोरोविंग्स भी साथ साथ कम हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2019 में कंपनी की टोटल बोरोविंग्स जो थी 345 करोड़ की थी, जो कि जून 2022 आते आते सिर्फ 114 करोड़ रह गई। तो फाइनेंशियल वाइज तो कंपनी यहां पर अल्टीमेट परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट बारी है पीयर ग्रुप कंपैरिजन की। इससे पहले मैं पीयर ग्रुप कंपैरिजन के बारे में बताऊं, आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। तो ऐसे ही इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन के ऊपर आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको ब्रोकरेज चार्ज भी नॉमिनल है बिल्कुल। इंट्राडे में आपको 20 रुपए पर ऑर्डर और डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ आपको मार्जिन ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी यहां पर मिल जाती है। तो अगर अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन पर ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन पर ओपन कर सकते हैं। पीयर ग्रुप कंपैरिजन को देखा जाए तो ऐसे तो कंपनी ने अपने DRHP जो फाइल की थी वहां पर साफ तौर पर लिखा था कि इनके प्रोडक्ट बनाने वाली कोई भी फर्दर दूसरी कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इनके सेगमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्दर और भी कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्टेड है। तो उससे हम लोग यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे। पहला है भारत फोर्ज, बाल कृष्ण इंडस्ट्री, रामकृष्ण फोर्जिंग्स। ये तीनों ही कंपनी रेवेन्यू वाइज तो यूनिपार्ट्स इंडिया से काफी बड़ी है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करें तो यूनिपार्ट्स इंडिया यहां पर सबको बहुत दूर दूर तक बीट करती हुई दिखाई देगी। चाहे आप यूनिपार्ट्स इंडिया का पी रेशो देख ले या फिर आप यूनिपार्ट्स इंडिया का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख ले, तो पीयर कंपैरिजन में अपने को ये पता चला कि फर्दर जितनी भी अदर कंपनीज जो इस सेक्टर से रिलेटेड है उनसे काफी अच्छा परफॉर्म यूनिपार्ट्स इंडिया दे रही है। तो 100 डेटा आप लोगों के सामने है, जहां पर यूनिपार्ट इंडिया का अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में अराउंड 37 का रहा। पी रेशो के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एबिटा आप देखेंगे हर साल कंटिन्यू ग्रोथ में दिखाई देगा। डेट टू इक्विटी रेशो कंटिन्यू कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक
डेट टू इक्विटी रेशियो यहां पर 0.17 का था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और इसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 1 से 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी टोटली यहां पर डेट फ्री हो जाएगी। आईपीओ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात की जाए, तो आईपीओ में सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी जो है अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। सेकंड पॉइंट, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज्यादा तगड़े हैं, कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ में है, कंटिन्यू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करती आ रही है। थर्ड पॉइंट है, अपने पीयर ग्रुप से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म यहां पर कर रही है कंपनी, और आने वाले समय में भी ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला निगेटिव पॉइंट जो है कि कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू है वो बहुत ही कम कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है, तो ये यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर उन कस्टमर से कंपनी का आने वाले समय में कोई भी रिलेशन गड़बड़ाता है या खराब होता है तो वो सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रिवेन्यू पर करेगा। दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी अपने इस आईपीओ के थ्रू सिर्फ ऑफर फॉर सेल लेकर आई है, जिसका साफ मतलब है कि शेयर होल्डर्स अपने स्टेक सेल करके बाहर हो रहे हैं। बट कंपनी काफी अच्छी है, फाइनेंशियल बहुत तगड़े हैं, अपने पीयर के कंपेयर में काफी तगड़ी है कंपनी। हाँ, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो यहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बट किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। एंड फाइनली बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, मींस जीएमपी की। तो फिलहाल आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 50 से 60 रुपए के अराउंड, जो कि 10% के अराउंड है, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में इस जीएमपी में आपको और भी ज्यादा उठापटक देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैं इसे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। एंड जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं आईपीओ के टाइमलाइन पर। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 30 नवंबर को, क्लोजिंग डेट है 2 दिसंबर की, अलॉटमेंट आपको 7 दिसंबर को पता चल जाएंगे, रिफंड्स आपके अकाउंट में 8 दिसंबर से प्रोसेस होने चालू हो जाएंगे, शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 9 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, एंड फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग 12 दिसंबर को सेकेंडरी मार्केट में हो जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी जानकारी तो जरूर मिली होगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।